आपका बहुत बहुत स्वागत है खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ अभिषेक तिवारी। योजना बंद करने पर बवाल। जी हां, छत्तीसगढ़ में भाजपा की सत्ता में आते ही कांग्रेस सरकार की विभिन्न योजनाओं को बंद किया जा रहा। इसी कड़ी में एक और योजना बंद कर दी गई है, राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद किया गया है। खेल एवं युवा कल्याण मंत्री का कहना है कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए योजना बनाई गई थी, तो वहीं कांग्रेस इसे बीजेपी सरकार की युवा विरोधी चरित्र बता रही है। एक रिपोर्ट देखिए। राजीव गांधी युवा मितान क्लब के तहत दो सालों में 13,242 क्लब बनाए गए थे। क्लबों के माध्यम से अलग अलग गतिविधियों के लिए इसमें 132 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई थी। अब बीजेपी सरकार ने राजीव युवा मितान क्लबों को दी गई राशि में तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। 12 जनवरी 2020 को राज्य युवा महोत्सव के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने योजना का ऐलान किया था। योजना का शुभारंभ 18 सितंबर 2021 को किया गया था। इस योजना में 20 से 40 वर्ष के युवा जुड़े हुए थे। प्रदेश में 13,261 राजीव युवा मितान क्लब गठित करने के लक्ष्य पर 13,242 क्लब बनाए गए। हर 3 महीने में 25,000 रुपए का अनुदान राशि दिए जाने की योजना बनाई गई। इस तरह से हर साल क्लब को 1,00,000 रुपए मिलते थे। प्रदेश के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा का कहना है कि अपने लोगों को लाभ पहुंचाने योजना बनाई गई थी। छत्तीसगढ़ के युवाओं को इससे लाभ नहीं हो रहा था, इसीलिए राजीव युवा मितान योजना को बंद कर दिया गया है। हमारी सरकार युवाओं और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाएगी। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदरबांट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। राजीव गांधी युवा मितान क्लब योजना बंद करने को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र वर्मा का कहना है कि पूर्वाग्रह से ग्रसित भाजपा के नेताओं का ये युवा विरोधी चरित्र है। जिस तरह से युवाओं के हित में संचालित राजीव युवा मितान क्लब की दुर्भावना पूर्वक बंद किया जा रहा है, ये बेहद निंदनीय है। सामाजिक सरोकारों से युवाओं को जोड़कर वृक्षारोपण, साफ सफाई अभियान, खेल और नशा मुक्ति जैसे कार्यों में युवाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने का ये महत्वपूर्ण योजना पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा चालू की गई थी। बीजेपी सरकार को यदि ऐसा लगता कि इस योजना में कुछ खामी है तो उसे बेहतर तरह से लागू करने का विकल्प उसके पास था, लेकिन सीधे तौर पर योजना को बंद करना बेहद निंदनीय है। यदि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विष्णुदेव सरकार को यह लगता है कि उसमें जो जोड़े गए युवा हैं उनके संदर्भ में आपत्ति है तो उनको नई सूची बनाने का अधिकार है, नए युवाओं को जोड़ सकते हैं। लेकिन दुर्भावनापूर्वक युवाओं को के हित में ऐसी महत्वपूर्ण योजना को बंद करना निश्चित तौर पर युवा विरोधी निर्णय है। बहरहाल प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के साथ ही बीजेपी सरकार द्वारा पूर्ववर्ती भूपेश सरकार की विभिन्न योजनाओं को बंद किया जा रहा है या योजनाओं में बदलाव किए जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि इसका प्रदेश की जनता पर क्या असर पड़ता है। स्वराज एक्सप्रेस के लिए रायपुर से दिलीप साहू की रिपोर्ट। तो योजना बंद होने पर बवाल है, तो एक तरफ पलटवार वार लगातार चल रहा है, इसी विषय पर बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर किरण बघेल जुड़ गए हैं। किरण बघेल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके साथ ही कांग्रेस प्रवक्ता वंदना राजपूत हमारे साथ जुड़ गई हैं। वंदना जी, आपका भी स्वागत है। गंगेश द्विवेदी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर किरण बघेल आपके पास आएंगे, आपसे जानेंगे कि आपकी जो पार्टी है वो लगातार ये कहती आ रही है कि सबका साथ सबका विकास। जब सबका विकास हो रहा था, सबका साथ मिल रहा था, अच्छी योजना थी, लोगों का भला हो रहा था, प्रतिभा निखर रही थी, तो फिर बंद करने की जरूरत क्यों पड़ी? देखिए अभिषेक जी, जब भी कोई सरकार बदलती है तो पूर्व सरकार की जो योजनाएं ठीक नहीं होती या जिससे कुछ त्रुटि होती है वो स्वाभाविक सी बात है कि नई सरकार अपने हिसाब से बनाती है या तो बंद करती है। मिसाल के तौर पे हमारी सरकार ने दाल भात सेंटर खोला था, इनकी सरकार आई तो इन्होंने बंद कर दिया। हमारी सरकार के समय स्वसहायता समूह की महिलाएं रेडी टू ईट का काम करती थी, इनकी सरकार आई और महिलाओं को रोजगार से विमुक्त कर दिया। तो इनकी सरकार ने भी कुछ योजनाएं अपने हिसाब से चलाई, तो ठीक इसी तरह हमारी सरकार भी कुछ योजनाएं जिससे ना इनकी नियत साफ थी ना नीति क्लियर थी,
मिसाल के तौर पे राजीव मिताली नहीं तो किरण जी, किरण जी आप उनकी सरकार थी तो आपके सरकार के द्वारा चलाई गई योजना बंद हो गई, आपकी सरकार आई उनकी योजना बंद हो गई, तो क्या आपकी नियत और नीति सही है? आप भी तो वही कर रहे हैं जो कांग्रेस ने किया, अगर आपकी बात सही है तो। फर्क है भाई साहब, देखिए हमारी हमारी सोच है, इनकी सरकार में आप देख सकते हैं युवाओं को सिर्फ गिन्नी डंडा भागा तक सीमित रखा जा रहा था, गोबर गिन्नी तक सीमित रखा जा रहा था। पीएससी की रैंकिंग की बात आती तो इनके अधिकारी और नेताओं के बच्चे आ जाते थे, छत्तीसगढ़ के युवाओं को फिर गोबर और गिन्नी भावरा में ही उलझाए रखा था, राज्यसभा सांसद की बात आती तो छत्तीसगढ़ महाचार्य को बच्चों को ना लेकर बाहर से नेता आउटसोर्सिंग करते थे। तो इनकी नियत और नीति में बिल्कुल और कहने और कथनी में भी फर्क था। जहां आप लोगों को छत्तीसगढ़ के युवाओं के छत्तीसगढ़ के लोगों के जनहित ऐसी बताते थे, वहीं जब राज्यसभा की बात आती थी तो बाहर से नेता ले आते थे। तो कुल मिलाकर जो हमारी कौशल प्रधानमंत्री कौशल योजना थी उन्होंने उसे इन्होंने बंद कर दिया। हम हर जिले में युवाओं की दक्षता बढ़ाने के लिए आईटीआई स्थापित कर रहे थे, वो उससे इन्होंने रोक लगा लिया। तो अगर युवाओं के हित में कुछ करना चाहते थे तो ये बेरोजगारी जो वादा किया था, चार साल तक जिसे इन्होंने पूरा नहीं किया वो कर सकते थे, पीएससी घोटाले में जो बंडर बात हुआ उसे रोक सकते थे। और इस योजना में भी भाई साहब आप देख सकते हैं ऑडिट होने पर पता चल रहा है कि ये योजना मात्र कागज तक सीमित रह गई थी, और कुछ नेताओं को चिन्हांकित खास लोगों को ये योजना का लाभ मिल रहा था। ठीक है किरण, किरण जी क्या आपके पास आएंगे, क्या आपकी सरकार क्या जांच पड़ताल की है कि भूपेश बघेल सरकार में जो योजना चल रही थी वो योजना का लाभ केवल कुछ चुनिंदा लोगों या उनके लोगों को मिल रही थी? इस पर आपसे जवाब मांगूंगा, लेकिन पहले उसके बाद वंदना जी के पास आऊंगा। वंदना जी आपकी क्या प्रतिक्रिया है जिस तरीके से आपकी सरकार के द्वारा चलाई गई योजना बंद कर दी गई है बीजेपी के द्वारा, आपकी क्या प्रतिक्रिया इस पर? ये देखती हूँ सरकार के द्वारा योजना चल गई, इसमें किस योजना को हम बंद, क्योंकि यह योजना आगे चल करके सक्सेस होती है बहुत अच्छे से चलेगी तो कहीं ना कहीं कांग्रेस सरकार तो जाएगी, तो ये लोग नहीं चाहते कि इनका श्रेय कांग्रेस सरकार को मिले, इसीलिए यहाँ पर द्वेषपूर्ण ये योजनाओं को बंद कर रहे हैं। आप देखिएगा कुछ दिन में जो बिजली बिल हाफ योजना है उनको भी लोग बंद करने के लिए साजिश रखेंगे, उस दिनों में देखना कि जो स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल है जिसमें आज गरीब किसान के बच्चे पढ़ रहे हैं शायद उस योजना को भी बंद कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जैसे कि आज किरण जी बात कर रही थी महतारी वंदन योजना के बारे में भी मैं यहाँ पर बात करना चाहूंगी कि महतारी वंदन योजना में हर घर विधानसभा चुनाव में जाकर के प्रत्येक घर में जाकर के प्रत्येक विवाहित महिलाओं से फॉर्म भराया गया। उस समय उन लोगों का कथन क्या था कि प्रत्येक विवाहित महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए मिलेगा। अब जब कैबिनेट में इसका मुहर लग गया है, अब उस पर मापदंड रखा गया है कि जो विवाहित महिला 21 वर्ष के बाद से है, 21 वर्ष में जिनकी शादी हुई है उनके बाद से महिलाओं को यहाँ पर महतारी वंदन योजना का लाभ मिलेगा। तो आप समझ रहे हैं ना इन लोगों की कथनी और करनी में कितना अंतर है। वोट मांगने के लिए कितना भी झूठ बोल सकते हैं, कितना नीचे गिर सकते हैं, जब ये सत्ता में काबिज होते हैं तब महिलाओं को एक जो दूध में मक्खी की तरह निकाल करके फेंकते हैं वैसे ही इन लोगों का जो असली चेहरा है, क्योंकि इन लोगों की कथनी और करने में कितना अंतर है बहुत अच्छे से जान रहे हैं। अभी आप जो लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में अभी लखपति दीदी योजना ला रहे हैं, मतलब आप समझ रहे हो ना महिलाओं को इधर लखपति दीदी योजना के नाम पर ये लोग सिर्फ लाली पॉप खिलाएंगे, जैसे ही महिलाएं इन लोगों को सत्ता में काबिज कराएंगे उन लोगों को फिर से फाड़ कर फेंक देंगे। महिलाओं को सिर्फ इन वोट बैंक मानते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। और सबसे बड़ी बात आपको मैं यहाँ पर बोलना चाहूंगी, मैं आपके माध्यम से किरण को पूछना चाहती हूँ मैं कि आपने दिसंबर में महतारी वंदन योजना को लागू करने के लिए आपने वंदना जी आप भी तो कहाँ भटक गई, आप भी तो स्थायी नहीं है, बात कहाँ चल रही थी आप कहाँ पहुंचा दी। बात चल रही थी राजीव गांधी मितान योजना है, क्लब है उसको बंद कर दिया गया है, उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या थी? तो आप बहक गई, आप दूसरे रास्ते पे पहुंच गई। मैं वही आपको बता रही हूँ कि राजीव मितान जो क्लब था एक बहुत क्रांतिकारी योजना था, हम इस क्लब के माध्यम से जो युवा शक्ति है उनको रचनात्मक कार्यों में उनको लेकर के आए थे और युवा शक्ति को हम समाज के लिए काम करवाने के लिए उनको प्रेरित कर रहे थे। ये तो बहुत अच्छी योजना था, हम देखते थे कि यहाँ पर अधिक से अधिक युवा वर्ग इस पे जुड़ रहे थे। और आज देख रहे थे कि जैसे कि खेल के बारे में बात कर रही थी, जो अपनी छत्तीसगढ़ की संस्कृति है और अपने छत्तीसगढ़ की जो परंपरा का जो खेल है उनके बारे में ये बात कर रही थी कि सिर्फ गिल्ली डंडा तक सीमित है। तो आप ये बताओ कि
15 साल इनकी सरकार थी, कभी इन्होंने छत्तीसगढ़ के जो खेल को महत्व दिया था क्या? नहीं दिया था। ये लोगों को छत्तीसगढ़ की संस्कृति से चिढ़ है, छत्तीसगढ़ की परंपरा से चिढ़ है, लेकिन हमारी 5 साल की सरकार ने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की परंपरा, छत्तीसगढ़ के रीति रिवाज को हमने आगे बढ़ाने का काम किया। और रही बात, यदि आप राजीव एवं मितान क्लब को अगर बंद करते तो आप बंद कर दीजिए, इसका जवाब आप लोग को युवा देंगे आने वाले समय में। अभी लोकसभा चुनाव है, इसमें भी आपको जवाब मिलेगा इसको। चलिए ठीक है वंदना जी, हालांकि किरण जी का कहना है कि आप गोबर की योजना सिखा रहे थे, आप गिल्ली डंडे सिखा रहे थे, तो किरण जी का तो उद्देश्य रहा होगा कि पबजी सिखा दे, गोली बंदूक हाथ में दे दे, हवाई जहाज से कुछ ऐसी कुछ ऐसा गेम आ जाए, कुछ योजना आ जाए कि हवाई जहाज से फाइटिंग हो, शायद इनकी सरकार में ये कुछ लेके आएगी। गंगेश जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, गंगेश द्विवेदी जी आपकी क्या प्रतिक्रिया, आप क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से एक सरकार कोई योजना लाती है, आम लोगों के लिए लाती है, खिलाड़ियों के लिए लाती है, युवाओं के लिए लाती है, लेकिन दूसरी सरकार आती है उसको बदल देती है, खत्म कर देती है, लोगों की जो आशाएं होती है वो निराशा में तब्दील हो जाती है, क्या मौजूदा सरकार का ये कदम, ये पहल और इस तरीके की सोच सही है? गंगेश जी, चलिए गंगेश जी हमारे साथ अभी नहीं जुड़ पाए हैं, जुड़ने की कोशिश कर रहे हैं, किरण जी आपके पास आएंगे। किरण जी हम जानते हैं कि कोई योजना जब बनती है उसमें बहुत सारे जो नौकरशाही होते हैं, ब्यूरोक्रेट्स होते हैं, आईएएस आईपीएस लेवल के लोग होते हैं, वो योजना को किस तरीके से क्रियान्वयन करना है, किस तरीके से बनाना है, किस तरीके से लोगों तक पहुंचाना है, उनके हाथ में होता है। कोई विधायक, कोई सांसद या कोई मुख्यमंत्री खुद बैठ के नहीं करता है, वो सिर्फ अगुवाई करता है क्योंकि वो लीडर होता है। तो नौकरशाही जो होती है वो आपकी सरकार में भी वही है, वो अधिकारी, वो सचिव, वो लोग चेंज नहीं हुए हैं, तो फिर दुश्मनी क्या? क्या राजीव गांधी लिखा हुआ था इसके वजह से योजना को बंद की गई? बिल्कुल नहीं अभिषेक जी, जब इस योजना का ऑडिट अभी प्रारंभ हुआ तो प्रारंभिक ऑडिट में पता चला कि कहीं ना कहीं पैसों की हेरा फेरी हुई, कहीं ना ये योजना कहाँ से पता चला मैडम, कहाँ से पता चला? कुछ उदाहरण बता दीजिए कि जो आपने पहले भी बताया था मैडम, आपने बताया था कि निजी लोगों को लाभ मिल रहा है, कौन से वो लोग हैं? हम भी जान लेते हैं, वंदना जी भी जान लेती हैं, और कुछ लोग जो देख रहे हैं हमारे दर्शक वो भी जान लेते हैं कि किनको लाभ मिला है। देखिए आप खुद धरातल पर आप जाते हैं, एक निजी चैनल का भी सर्वे हुआ, मैं खुद कुछ युवाओं से मिली हूँ, उदाहरण के तौर पर बताती हूँ, दलदल सिंह के कुछ युवाओं से मेरी मुलाकात हुई और मैंने इस योजना के बारे में जानकारी ली, तो पता चला 3 ग्रुप वहाँ बने हुए थे और वहाँ के युवाओं को ही नहीं पता था कि इस ग्रुप का अध्यक्ष कौन है। और जब मैंने उनसे पूछा कि पैसे क्या मिल रहे हैं कि नहीं, तो उन्होंने साफ बताया कि पता नहीं पैसे कहाँ जा रहे हैं, मिल तो रहे हैं लगातार भी नहीं मिल रहे हैं। तो इस साफ का जाहिर है कि कुछ युवाओं को तो पता ही नहीं कि इस काम का कोई योजना भी लागू है, साफ जाहिर है कि ये पेपर तक रह गए हैं। कुछ लोगों से बातचीत की और आपको पता चला कि लोगों ऑडिट भी चल रहा है, अभिषेक जी ऑडिट भी चल रहा है, हमारी सरकार के द्वारा ऑडिट भी किया जा रहा है, उसमें भी कुछ हेराफेरी नजर आ रही है। तो कुल मिलाकर मैंने कहा ना कि ये युवाओं को बरगलाने में, युवाओं को भ्रमित करने के लिए योजना बनाई गई थी। ठोस कोई बात सामने नहीं आ रही है कि आखिर वाकई किस वजह से बंद हुई, क्या भूपेश बघेल ने योजना की शुरुआत की थी इसलिए बंद हुई है, क्या राजीव गांधी मितान योजना क्लब नाम था इसलिए बंद हुई है क्योंकि कांग्रेस को इंडिकेट कर रही है, तो अब आपकी सरकार आ गई तो कांग्रेस पार्टी की कोई योजना ना चले, क्योंकि बहुत सारी योजनाएं आपकी सरकार में भी चली और भूपेश बघेल सरकार ने उसको बाकायदे चलाया, कुछ योजनाएं बंद भी हुई। हम आपसे यही जानना समझना चाहते थे कि जो कांग्रेस ने किया वो आप भी कर रही हैं। हम आपने पहले बोल दिया है कि आपने बोला था कि सबका साथ सबका विकास, तो विपक्ष भी तो आपके साथी में है ना, प्रदेश भी आपके साथी में है, वो युवा जो आश रखे हुए हैं कि हमें योजना का लाभ मिलेगा, हमें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने का एक मौका मिला है, वो मौका आपने छीन लिया, दूसरा मौका आपने दिया नहीं, आप कुछ और योजना लाती, आप मौका देती, उसके बाद इस योजना को बंद कर देती, अगर ये सही नहीं थी तो सही बात होती, हम भी आपकी तारीफ करते। देखिए हमारी सरकार के द्वारा ऑलरेडी युवाओं के लिए योजना लाया चल रहा है, जहाँ तक जैसे की बात करें हम प्रधानमंत्री कौशल योजना की बात करें, हमारी सरकार में हर जिले में आईटीआई स्थापित किया जा रहा था, स्टार्टअप डिजिटल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, ये सब हमारे केंद्र सरकार की योजना है जो खासतौर पर युवाओं के लिए ही चालू की गई है और जो युवाओं के मद्देनजर रख के ही स्टार्ट की गई है। रही बात इनकी इस योजना की, तो लड़कों को सिर्फ खेल तक सीमित कहा रखा, उनका संस्कृति विकास की बात करें तो किस तरह से संस्कृति विकास हो रही थी, किस तरह से खेल में इनको बढ़ावा मिला था,
क्योंकि किसी गांव में कोई खेल या संस्कृति का आयोजन तो हो नहीं रहा था। तो कुल मिलाकर पैसे का बंटर बात हो रहा था। आप हर ग्राम में जाके सर्वे करवा सकते हैं, और क्योंकि मैं खुद ग्रामीण क्षेत्र को बिलोंग करती हूँ, मेरे लगातार दौरे चलते हैं, तो मैंने कभी भी युवा मितान से संबंधित कोई आवेदन होते तो नहीं देखा है। तो जिस तरह बाकी योजनाएं, चाहे वो गोबर घोटाले की बात करें, शराब घोटाले, जिस तरह से लैंड कोल सारे घोटाले हुए, तो मुझे लगता है कि राज्य मितान भी इसी भेद चल चुका है। और जैसे की छत्तीसगढ़ कांग्रेस में हर योजना में घोटाले हुए हैं। जवाब ले ही लेते हैं कि वंदना जी को क्या लगता है। वंदना जी, किरण जी का कहना है कि जो योजना के तहत पैसा आया वो गटक लिया गया, निगल लिया गया, पता ही नहीं चला कि योजना कहाँ चली, कहाँ खत्म हो गई, किसके पास पहुंची, क्या कहेंगे आप? देखिए, मेरे को लगता है किरण जी शायद छत्तीसगढ़ में नहीं रहती, अगर छत्तीसगढ़ में रहती तो इस तरह से निराधार बात नहीं करती। और रही बात आप निराधार आरोप, आपके पास योजना के योजना जहाँ लागू हुई हो तो बता दीजिए वंदना जी, किसी गाँव में अगर कोई आयोजन हुआ हो तो बता दीजिए। सुनेगा, आपने वो कहा, मैंने बहुत शांतिपूर्वक सुना, आपसे विनती है कि आप सुनिए। और सबसे बड़ी बात है कि आप कब तक निराधार आरोप लगाएंगे भाई? आपको लगता है कहीं पर यदि यहाँ पर भ्रष्टाचार हुआ है, अभी चार साल से मैं आप यहाँ पर हर चीज का छापा मरवा रहे हैं, आईटी ईटी आईडी सब यहाँ पर है, तो आप उनका जांच करवा लीजिए, कौन मना किया है। और सबसे बड़ी बात है, यदि आपको लगता है कि राजीव एवं मितान क्लब में अगर थोड़ी बहुत कहीं पर कमी है, तो उस कमी को दूर करके आप चाहते हैं तो इसको आगे बढ़ा सकते हैं, लेकिन आपके नियत और नीति में खोटे। आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के युवा है वो आगे बढ़े, आप नहीं चाहते कि छत्तीसगढ़ के जो हमारी महिलाएं हैं, हमारी बहनें हैं, वो आगे बढ़े। आप लोगों की नियत और नीति में हमेशा से खोट रही है। इसीलिए 15 साल के जो आपकी भारतीय जनता पार्टी के शासन में आप आउटसोर्सिंग ले आए थे, आपको यहाँ छत्तीसगढ़ के जो युवा है उनके प्रतिभा के साली पर आपको बहुत शक था कि यहाँ के जो बच्चे हैं उनमें ये काबिलियत नहीं है या योग्यता नहीं है कि यहाँ पर वो टीचर बन सके, यहाँ पर इंजीनियर बन सके, इसीलिए आपने आउटसोर्सिंग लाया था। लेकिन हमारे आउटसोर्सिंग आप भी कर रहे थे, आउटसोर्सिंग से टीचर तो आप लोग भी लेके आए थे। किरण जी देखिए, अगर सत्यता की अगर सत्य बोला जाता है तो उसमें आपको मिर्ची लगती है, उसके लिए मैं क्षमा मांगूंगी, लेकिन सत्य तो सत्य रहेगा। और सबसे बड़ी बात है, अगर राजीव एवं मितान क्लब की बात करते हैं, आज आप गांव-गांव जा करके देखिए, आज आपको मैं चैलेंज करती हूँ, आप आइए, मैं आपको गांव ले जाती हूँ। मैं और राजीव मितान, मैं भी आपको चैलेंज करती हूँ, आप मेरे गांव चलिए, मेरे साथ गांव के युवाओं से मिलते हैं, आगे बढ़ रहे हैं। कितने युवा वर्ग यहाँ खेल से जुड़े हुए हैं, कबड्डी के माध्यम से पता चल रहा है वल्ला जी, सिर्फ पैर का पता चल रहा है युवाओं में। आप लोगों की यही तो परेशानी है, आप लोग बोल लेते हैं, जब सही बात बोलने की पारी आती है, हमारी पारी आती है, तो आप लोग चिल्लाने लग जाते हैं। ऐसे में थोड़ी काम चलेगा किरण जी, आप सुनिए। और सबसे बड़ी बात है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं ना, छत्तीसगढ़ में 5 साल में हमने छत्तीसगढ़ की संस्कृति और परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, हम छत्तीसगढ़ की महतारी का हृदय से सेवा किया है, हमें गर्व है। और हम यहाँ पर पूरे अपने जिम्मेदारी से बोल सकते हैं कि यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ के युवा वर्ग है, काफी जो युवा मितान क्लब है, राजीव एवं मितान क्लब से, वो बहुत खुश हैं। और सबसे बड़ी बात, आप लोगों को तकलीफ इस बात की है क्योंकि ये जो राजीव युवा मितान क्लब है उसको कांग्रेस सरकार ने लाया है, और इस जो योजना का नाम हमने राजीव युवा मितान क्लब रखा है, इस योजना के नाम से आपको तकलीफ है। ऐसे भी आप लोग नाम बदलने में माहिर है, आप नाम बदल करके उस योजना को तो चलने देते, ताकि यहाँ के जो छत्तीसगढ़ के युवा है उस युवा वर्ग का जो है भरोसा तो टूटता नहीं, जो युवा वर्ग है वो आगे बढ़ते, कम से कम इतना तो कर सकते थे। लेकिन नहीं, आपको सिर्फ द्वेषपूर्ण भावना से काम करना है कि कांग्रेस की सरकार ने योजना लाई तो इस योजना को बंद करना है, और आपको क्योंकि आपके सामने तो कोई कार्य योजना है नहीं। आप लोग जब बात करते हैं सिर्फ जुमलेबाजी बात करते हैं, चाहे महतारी वंदन योजना के बारे में बात करें। अभी आप ठीक है वंदना जी, किरण जी ने आपसे ये सवाल पूछा है कि आप ये बता दीजिए कि कहां योजना चल रही थी, किस जिले में चल रही थी, जो क्लब बने हुए थे वो क्लब कहां थे, किन खेलों के लिए वो क्लब बने हुए थे, और जो करोड़ों रुपए क्लबों को दिया जा रहा था तो वो किस काम के लिए दिया जा रहा, थोड़ा सा बता दीजिए आप भी। किरण जी सुनिए, ये जो क्लब है आप जाकर के देखेंगे, सारंगगढ़ की बात करती है, लेलुंगा की बात करते हैं, मैं ये गुड़िहारी की बात करती हूँ, मैं रायपुर की बात करती हूँ, मैं अब बीजापुर में जाकर के देखिए, कितना स्थान का नाम बताऊं मैं आपको, हर एक क्षेत्र में युवा वर्ग जुड़े हुए थे। और आप एक उदाहरण दे रही थी ना कि यहाँ जो राजीव मितान क्लब के जो सदस्यों को ही नहीं मालूम है कि कौन अध्यक्ष है, आप यहाँ पर गलत और निराधार उदाहरण दे रहे थे, क्योंकि आप जो है आप कभी तो ये प्रशंसा करेंगे ही नहीं कि जो कांग्रेस पार्टी थी वो बहुत अच्छा योजना लाई थी जिससे युवा वर्ग जुड़े हुए थे, छत्तीसगढ़ की संस्कृति, छत्तीसगढ़ की जो खेल है उनको आगे बढ़ाने के लिए युवा वर्ग आगे आ रहे हैं।
आप ये तो कहेंगे नहीं। और आपके माध्यम से मैं बोलना चाहती हूँ, देखिए आप भारतीय जनता पार्टी के यहाँ पर प्रवक्ता है, लेकिन आपको ये याद होना चाहिए कि हम लोग भले अलग अलग पार्टी से बैठे लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, छत्तीसगढ़ के जो जनता है उनके उनको आगे कैसे बढ़ाएं, हम उनको आगे कैसे ले जाएं, ये हमारी सोच होनी चाहिए। लेकिन आप लोगों की सोच सिर्फ अपनी पार्टी के तक सीमित है और आप लोगों की जनता के जो हित से कोई लेना देना नजर नहीं आता है। चले ठीक है, किरण जी जनता के हित की बात आप नहीं करती हैं, आरोप आप पर लग रहा है। देखिए वंदना जी, मेरी प्यारी बहन वंदना जी, नाम कह रही थी, हम पर आरोप लगा रही थी कि नाम बदलते हैं। तो वंदना जी, नया रायपुर का नाम अटल नगर से बदल कर किसने नाम बदल दिया, कमल विहार का नाम बदल के किसने कौन सा नगर रख दिया, तो नाम बदलने की आदत तो आपकी सरकार की है। यही बात आप कह रहे थे कि युवाओं में संस्कृति संस्कार का ध्यान रखा, यहाँ के छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान रखा, तो वंदना जी आप लोग ने छत्तीसगढ़ की जनता को 82,000 करोड़ के कर्जे में डुबो दिया है। आप सिर्फ जिले डंडा भावरा खिलाने में लग गए, छत्तीसगढ़ की जो किरण जी, किरण जी दो तीन बार आपने इस चीज को जिक्र किया कि गिल्ली डंडा खिला रहे हैं, कबड्डी खिला रहे हैं, आप क्या खिलाएंगे, कौन सा खेल खिलाएंगे? जी किरण जी, निश्चित निश्चित तौर पे हमारे संस्कार संस्कृति का खेल है, जो कि शुरू से सदियों से खेला जा रहा है, तो नई बात नहीं है। जब कांग्रेस की सरकार है, का सवाल है, जब प्रदेश का सवाल है, प्रदेश में आदिवासी लोग ज्यादा हैं, इन खेल को समझते हैं, इन खेल को आगे लाने की बात करते हैं, तो फिर क्या दिक्कत है? फिर आप बार बार बोल रहे हैं गिल्ली डंडा खिला रहे हो, कबड्डी खिला रहे हो, क्या खिलाया जाए? अभिषेक जी देखिए, मैं ये बता रही हूँ कि ये छत्तीसगढ़ की जनता के भावनाओं के साथ सिर्फ खेलने का काम किए हैं, छत्तीसगढ़ की जनता के हितैषी बनने का ढोंग कर रहे थे। जब राज्यसभा सांसद की बात आती है तो ये बाहर के नेता ले आते हैं। वंदना जी, ये जो तीन सांसद लाए गए वो छत्तीसगढ़ के निवासी तो थे नहीं। निश्चित तौर पर मैं कहती हूँ कि योजनाएं निश्चित तौर पर इनकी अच्छी थी, लेकिन भ्रष्टाचार के भेद चढ़ गई, चाहे गोबर गौठान घोटाले की बात करें, गौठान योजना बहुत अच्छी थी लेकिन धरातल पर ये जीरो साबित हुई। यही बात है किरण जी, यही बात है कि अगर योजना बहुत अच्छी थी, युवाओं के लिए थी, लोगों के लिए थी, छत्तीसगढ़ के लिए थी, जनता के हित में थी, तो योजना चलने देती, योजना में थोड़ा सा आप चेंजेस कर लेती, सुधार कर लेती और बेहतर आप कर देती, योजना चलती रहती। डायरेक्ट बंद करने से अच्छा तो योजना को और बेहतर से बेहतरीन आप कर देती। आपकी सरकार थी, आपके मुख्यमंत्री हैं और डबल इंजन की सरकार भी आपके पास है, तो सहयोग भी ले लेती साहब से, मोदी जी से। बिल्कुल अभिषेक जी, मैं आपके बात से बिल्कुल एग्री करती हूँ। हमारी सरकार ने जो प्रमुख वादे किए थे छत्तीसगढ़ की जनता से, चाहे वो आवास की बात हो, महतारी बंधन योजना की बात हो, या पीएससी घोटाले में सीबीआई जांच की बात हो, वो तीनों ही बड़े फैसले पे अमल कर रही है। और रही बात युवाओं के हित में और युवाओं के बारे में सोचने के, तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे अभी हमारी सरकार को मुझे लगता है 2-2.5 महीने भी नहीं हुए, निश्चित तौर पर युवाओं के बारे में हमारी सरकार नई योजना लाएगी। कहां सोच रही है किरण जी, बस बातें आप कर रही हैं, जो योजना चल रही थी वो भी आप बंद कर रही हैं। भाई साहब आप बताइए, आपको नहीं लगता 2 महीने में आप जल्दबाजी कर रहे हैं? मेरी बात से आपको नहीं लगता, आपको नहीं लगता कि आप लोग भाजपा के ऊपर प्रशिक्षण उठाने में कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं? तीन बड़े महत्वपूर्ण फैसले जो छत्तीसगढ़ की जनता के हित में है, हर गरीब का सपना होता है अभिषेक जी, सर पे छत, हर गरीब का सपना होता है उसका बच्चा पीएससी में सिलेक्ट हो, हर गरीब हर युवा का सपना होता है रोजगार। तो हम उन बेसिक समस्याओं पर महिलाओं पर, हर एक महिला चाहती है कि उसके खाते में पैसे आए सीधे, तो उन तीन बड़े सपनों पर हम काम कर रहे हैं। ठीक है, सपने को पूरा करने का आपने वादा किया था, दावा किया था, अभी सपना साकार हो जाए, हकीकत में उतर आए और जमीन पर उतरकर लोगों को लाभ मिले, तब तो मानेंगे कि आपका जो सपना था या आपके जो वादे थे वो सही साबित हुए। बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हुए। तो जिस तरीके से बात निकलकर सामने आई है कि जो राजीव मितान क्लब जो योजना चल रही थी भूपेश बघेल ने चलाई थी 2021 में, वो अब मौजूदा जो सरकार है बीजेपी की, वो बंद कर दी है। हालांकि युवा और लोग इसमें जुड़े हुए थे, खेल के प्रति इनका समर्पण था और खेल में आगे बढ़ाने के लिए इस योजना का उद्देश्य था, लेकिन योजना बंद हो गई है। अब देखना यही होगा कि मौजूदा सरकार आगे किस योजना को लाती है और जनता के लिए कितनी कारगर साबित होती है। बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, नमस्कार।